और दशकों की जो एक ख्वाहिश थी कि यहां भी कमल खिलना चाहिए नगर पालिका परिषद में, आप लोगों ने श्रीमती मनोरमा मौर्य जी को विजयी बना करके यहां पर भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने के लिए अपना बहुमत दिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों भाइयों, जब यहां पर आएंगे तो स्वाभाविक रूप से विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनके लिए हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उन प्रयासों और संघर्षों का परिणाम जनता जनार्दन को सौगात के रूप में लगभग 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात यहां प्राप्त हो रही है, इसकी भी मैं जौनपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। मैं देख रहा था बदलापुर के हमारे विधायक पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए गए। गिरीश यादव जी को कल जाना था, लेकिन आज के कार्यक्रम के नाते उन्होंने अपने को यही रोका, अब वे भी यहां के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी, और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पर आ रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है, और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है, यह भी आपने देखा होगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान भी बढ़ा रहा है, जो देश को सुरक्षा भी दे रहा है। संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है, तो देश की समृद्धि के लिए भी अहर्निश प्रयास करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर एक ही बात कही थी। 75 वर्ष की यात्रा हमारे देश ने पूरी की है आजादी की। अब लक्ष्य क्या होना है, जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए। तब हमारे सामने एक सपना होना चाहिए आज कि जिसको हम 25 वर्षों के अंदर एक रोड मैप के रूप में आगे बढ़ा सके, वो होगा विकसित भारत का। विकसित भारत और विकसित भारत के लिए पंच प्रण का एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक नागरिक को दिया था। बहनों भाइयों, उसमें गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने का भी एक संकल्प है, और महाराणा प्रताप देश में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले एक महानायक के रूप में है। याद करिए, उन्होंने जाति मत मजहब से ऊपर उठकर के उन्होंने एक ही बात कही थी, सब कुछ होगा, घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने शीश नहीं झुकाऊंगा, अपने स्वाभिमान के साथ सौदेबाजी नहीं होने दूंगा। इसके लिए लड़ते रहे अकबर। उस समय के बड़ी सेना के रूप में जाने जाते थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, बड़ी सेना, महाभारत में भी तो कौरवों के पास बड़ी सेना थी, लेकिन अंततः विजय तो 5 पांडवों की ही हुई थी।
ऐसे ही महाराणा प्रताप ने भी संकल्प लिया था, मैं इस विदेशी आक्रांता के सामने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखूंगा और इसके लिए उसके खिलाफ लड़ते रहे। और अपने जीवन में ही उन्होंने वे सभी दुर्ग और किले वापस ले लिए थे जो अकबर ने छल से, छत्र से, युद्ध से महाराणा प्रताप से छीनने के प्रयास किए थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में ही युद्ध के माध्यम से उन्हें फिर से वापस लेकर के मेवाड़ के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान का, राष्ट्रीय शौर्य का जो पताका फहराया था, आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बना करके जब भी भारत के अंदर स्वदेश और स्वाभिमान की बात आती है, शौर्य और पराक्रम की बात आती है, हर भारतवासी के मन में महाराणा प्रताप का चित्र उभर करके सामने आता है। महाराणा प्रताप एक राष्ट्रनायक के रूप में, छत्रपति शिवाजी महाराज एक राष्ट्रनायक के रूप में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक महानायक के रूप में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक महानायिका के रूप में देशवासियों के सामने श्रद्धा के साथ हर भारतवासी इनका स्मरण करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है जौनपुर की धरती परिश्रमी और पुरुषार्थी लोगों की धरती है, यहां पर लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जौनपुर को इस पहचान दिलाई। और पहचान जो यहां पर थे परंपरा से, उन लोगों ने यहां की पहचान यहां के इत्र से भी और यहां की इमृति से भी दिलाई। जो यहां से बाहर गए, मुंबई गए, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में गए, उन्होंने वहां अपनी उद्यमशीलता के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा वहां मनवाया। और जो लोग किसी संस्थान में गए वहां प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनकर के, उन लोगों ने वहां भी अपनी पताका को फहराने में कोई कोताही नहीं करती। हर एक क्षेत्र में यह जनपद तो बड़ा उर्वरा रहा है इस मामले में। आदि गंगा के रूप में मां गोमती का आशीर्वाद इसको प्राप्त होता रहा है। यहां के हस्तशिल्पी, यहां के कारीगर, यहां का होकर और यहां की प्रतिभा जब भी उसे अवसर मिला वो कभी चूका नहीं है, कभी नहीं चूका है, हमेशा उसने अपने आप को साबित किया है। और यही तो मोदी जी की का यही संकल्प है, हम इन सबको, किसी को पीएम विश्वकर्मा के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्वदेश और स्वाभिमान का वही प्रतीक है जो हमें राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं? ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे, ये लोग अपमानित करते थे, ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में बैरियर का काम करते थे। आज सरकार बैरियर नहीं बनती, आज तो शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उस प्रकार का सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। जहां पे कोई बड़ा आयोजन होता है वहां पे पुष्प वर्षा भी करती है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करती है। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे।
जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण ही आज जौनपुर में 3500 करोड़ रुपए के निवेश करा रहा है। कोई सोचता था कि जौनपुर में भी कोई बड़े उद्योग आएंगे, आज निवेश आ रहा है, एसटीपी लग रही है, 4 लेन बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, गोमती नदी में पुल बन रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी यहां के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता दिलाने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर घर में नल की योजना लागू हो रही है, शुद्ध पेयजल, हर गरीब को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ और हर निराश्रित बालक को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में जो बच्चे जिनके अभिभावक उस महामारी की चपेट में आ गए थे, उनके लिए सरकार ने पेंशन की व्यवस्था भी की है, उनके लिए लैपटॉप भी दे रही है, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था भी कर रही है, श्रमिकों के बच्चों के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अब हम हर जनपद में इस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। कोई सोचता था गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी, लेकिन आज संभव हो पाया है। स्वर्गीय उमाशनाथ सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आज निर्माण के अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। भाइयों बहनों, जौनपुर में अपना मेडिकल कॉलेज हो, जौनपुर में विश्वविद्यालय अच्छे ढंग से काम करे, एक सपना था आज हकीकत है और यही डबल इंजन सरकार की ताकत है। उसी ताकत का एहसास कराने के लिए आपके पास हम लोग आए हैं, कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन सरकार स्पीड भी बढ़ाती है, आपके स्केल को स्किल के साथ बदलने का कार्य करके स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है और यह कार्यक्रम एक निरंतरता प्राप्त कर सके, इसको लेकर के ही आज हम सब यहां पर आए हैं। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हम तब कर पाएंगे जब जनपद स्तर पर भी उस प्रकार का मंथन प्रारंभ हो। जनपद स्तर पर जिले के लिए कार्ययोजना तैयार हो रही है, लेकिन जिला की छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, नगर पंचायतें हैं, इनको भी तैयार होना होगा। ये भी आत्मनिर्भर बने, ये भी इस विकास की दौड़ के साथ सरपट दौड़ते हुए दिखाई दे और जो भी सरपट दौड़ करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा वह विकसित भारत की परिकल्पना का सारथी माना जाएगा और वह इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसी के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए एक अवसर है हम सबके पास। हमारा देश दुनिया की बड़ी ताकत बने, हर भारतवासी का इस संकल्प होना चाहिए। मोदी जी इसी बात को लेकर कह रहे हैं, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना, गुलामी के अंशों को समाप्त करना, अपने नागरिक कर्तव्यों को मानना, जाति पार्टी के आधार पर विभाजित करने वाले लोगों से पूरी तरह अपने को दूरी बनाए रखना। ये लोग जाति के नाम पर बातें हैं लेकिन अपने परिवार के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, परिवार से उभर नहीं पाते। आपने देखा होगा पिछली सरकारें यही करती थी। हमें देश के बारे में सोचना है, समग्र समाज के बारे में सोचना है और मोदी जी का यही संकल्प है
सबका साथ और सबके विकास का मंत्र इसी संकल्प को आगे बढ़ाने की कड़ी है। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ राष्ट्रनायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण, मैं धन्यवाद दूंगा समिति को भी, कृपा शंकर सिंह जी को भी, गिरीश यादव जी को भी, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को, इतनी भव्य प्रतिमा और कितना भव्य वहां पे चौराहा और पार्क बनाया गया है, यानी कितना भव्य बनाया गया। राष्ट्र नायकों के प्रति जब सम्मान का भाव होगा तो बहनों और भाइयों दुनिया की कोई ताकत उस देश और उस समाज का बाल बांका नहीं कर पाएगी। भाइयों बहनों, राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के इस शौर्य और पराक्रम को इस जौनपुर के ही बगल में जनपद है मऊ, वहां के एक राष्ट्र कवि हुए श्याम नारायण पांडे, पांडे जी ने ही हल्दी घाटी के माध्यम से दुनिया के सामने किस ओजपूर्ण तरीके से रखा था। तब पांडे जी अपने कवि सम्मेलनों के माध्यम से हल्दी घाटी का वाचन करते थे, पूरी जनता झूम उठती थी उसके साथ में। मैं इस अवसर पर उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। ये वे महापुरुष हैं जिन्होंने जनता के साथ अपने आप को जोड़ करके उन भावनाओं का सम्मान किया, अपने शब्दों के माध्यम से उसको जीवंतता प्रदान की। और आज जौनपुर में हम लोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर तमाम विकास के उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहां की जनता को प्राप्त हो रहा है, वे सड़क से भी है, पेयजल से भी जुड़ी हुई है, यहां के समग्र विकास से जुड़ी हुई वे परियोजनाएं हैं जिनका लाभ जौनपुर वासियों को प्राप्त होगा। और मैं आपको इस अवसर पर एक बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि आज जो विकास का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के मिल रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण करने का प्रयास किया गया है, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने का कार्य आगे बढ़ाया गया है, यह तभी संभव हो पाया है जब मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उनके मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। और इसीलिए अब हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, एक ही संकल्प होना चाहिए 2024 का, अगले दो महीने का एक ही संकल्प होना चाहिए हर जौनपुर वासी का, हर प्रदेशवासी का कि फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार के लिए आवश्यक है यहां पर भी वह करके दिखाना है। तैयार है ना सब लोग? सभी लोग सहमत हैं। मोदी जी की सरकार के लिए घर घर कमल खिलाना होगा, सभी लोग सहमत हैं ना? और यही कमल लक्ष्मी लेकर के आएगा, मां लक्ष्मी को यही लेके आएगा और उसी से फिर बड़े बड़े विकास के युग कार्य होंगे। मैं अभी यहां पे आ रहा था तो मेरे पास गिरीश जी बोल रहे थे कि हौज से लेके लाइन बाजार नई गंज होते हुए कोलहन मऊ बाईपास पर इस सड़क के बारे में कह रहे थे। हमने कहा ये सड़क तो सब मंत्री ने स्वयं ही है और ये सभी सड़कें बनेंगी। ऐसे ही उन्होंने दो तीन अन्य कार्यों के बारे में भी उन्होंने प्रस्ताव दिए। लगातार काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं, खेल और खिलाड़ियों के लिए नई पॉलिसी लेकर के आते हैं। पहली बार आपने देखा होगा आपके विधायक कैसे कार्य करते हैं, 500 खिलाड़ी इन्होंने खेल विभाग के माध्यम से आज अलग अलग पुलिस में और अलग अलग विभागों में उन्होंने भर्ती करवा दी। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीते हैं, हर जिले में स्टेडियम ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य स्तर पर चल रहा है,
गांव गांव में खेल का मैदान भी बन रहा है, तो वही स्पीड इन सड़कों के लिए, विकास के कार्य के लिए भी होगा। और भाइयों बहनों, स्पीड के लिए हमें मां लक्ष्मी को खुश तो करना पड़ेगा, और उसके लिए कमल का फूल आवश्यक है, समझे ना। फिर एक बार, फिर एक बार, सभी लोग सहमत हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जौनपुर वासियों को इन 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बधाई देता हूं। महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा की स्थापना के लिए समिति और यहां के जनप्रतिनिधियों को, कृपा शंकर जी को, जिन्होंने संयोजन करके इस भव्य प्रतिमा को वहां पे स्थापित किया, इसके लिए सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।